नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बढ़ते अपराध के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष, बोले सम्राट पहले लालू से मांगे 15 साल का हिसाब। इंडिया गठबंधन के प्रतिरोध मार्च पर जदयू आग बबूला, मांझी का छलका दर्द, नीतीश कुमार मेरी राजनीति खत्म करना चाहते थे। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग से कर दी बड़ी मांग, बिहार में लागू हो यूपी फॉर्मूला, बीजेपी की बिहार सरकार से बड़ी मांग। नीट यूजी सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित, बिहार में 24,000 प्राइवेट स्कूलों पर मनराया खतरा। गया एसएसपी ने 50 दरोगा पर लिया बड़ा एक्शन। सहरसा में कोसी में पलटी नाव। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला। राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा से लेकर डीएम कार्यालय तक इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लिए पहुंचे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस बल प्रतिरोध मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन नेता इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। इस दौरान पुलिस बल के साथ नोकझोंक भी हुई। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सरकार मौन है। सरकार हाई लेवल मीटिंग करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं नहीं थम रही है। सरकार को इसका जवाब देना होगा। इसका जवाब हम लोग बिहार विधानसभा सत्र में ही लेंगे। जब बिहार के नेता के परिवार ही सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी पर क्यों बैठे हैं? आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में इसका अंजाम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन लोगों को यह आंकड़ा निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था लालू जी को। सबसे पहले चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया था वो क्या था। पहले लालू जी को 15 सालों का हिसाब देना चाहिए। दरअसल बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव पिछले एक साल के आंकड़ों का हवाला देकर प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, जिसमें हर रोज बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसके आंकड़े को जारी कर ना सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि जनता को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर है। विपक्षी दलों के प्रतिरोध मार्च पर जदयू ने विपक्षी नेताओं को जंगलराज की याद दिलाई। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने विपक्षी दलों के नेताओं पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों का शासन था तो सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे थे। 108 नरसंहार की गवाह बिहार की जनता है। आम महिला को कौन पूछे, आईएएस अधिकारी की पत्नी भी यहां सुरक्षित नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों पर पंचायत सीएम आवास में लगती थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार काम कर रही है। उनकी सरकार ने कभी अपराध से समझौता नहीं किया, यही उनके सरकार की यूएसपी भी है। आज ये लोग प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जीतनराम मांझी का दर्द छलका। मांझी बोले, नीतीश कुमार मेरी राजनीति खत्म करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मांझी बोले, अभी भी लोग जल रहे हैं कि एकमात्र एमपी होने के बावजूद जीतनराम मांझी को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री क्यों बना दिया गया, लेकिन उनके जलने से कुछ नहीं होने वाला है। मांझी ने कहा कि वे नीतीश कुमार के गठबंधन में शामिल थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बुलाकर कहा था कि पार्टी का जदयू में विलय कर दीजिए, लेकिन मैंने पार्टी का विलय नहीं किया। जबकि पार्टी बनाई थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतनराम मांझी पार्टी कैसे चलाएगा, उसके पास पैसा है जो पार्टी चलाएगा, लेकिन आज मेरी पार्टी दौड़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में साजिश कर हर बूथ पर हिंदुओं के 40 से 50 वोट काटे गए, जबकि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर मुसलमानों की संख्या दुगुनी हो गई। गिरिराज ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े में साजिश बताते हुए चुनाव आयोग से पिछले 3 लोकसभा चुनाव के वोटर लिस्ट की जांच की मांग भी कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी में साजिश की गई है। साजिश में टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बिहार में विपक्ष के आक्रोश मार्च को भी छलावा बताकर कहा कि जंगलराज वाले चाहते हैं कि बिहार में वही शासन वापस लौट आए। छठी खबर, 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है।
22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िया जल लेकर बाबा भोले की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान छोटे बड़े दुकानदारों को उन्हें सहायता लेनी चाहिए। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर अब बिहार में भी कांवड़ रूट की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने की मांग उठ रही है, ताकि कांवड़िया जान सके कि किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सावन से पहले बड़ा बयान दिया है। बीजेपी एमएलए ने कहा कि जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के ऊपर किया जा रहा है, उसी प्रकार से अगर धार्मिक स्थलों के आसपास में दुकानदार अपना परिचय लिखे, इसमें कोई बुराई नहीं होगी, इससे फायदा होगा। कई बार परिचय पूछने पर विवाद हो जाता है और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ग्राहकों को जहाँ सुविधा होगी वही विवाद भी कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जारी हुआ। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई। खास बात यह है कि विवादास्पद गोधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई भी कैंडिडेट टॉपर नहीं है। गोधरा के जय जलराम स्कूल के सेंटर से दो स्टूडेंट्स ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट ने 600 से ज्यादा नंबर नहीं मिले। पेपर लीक मामले में इसी स्कूल के चेयरमैन को सीबीआई ने 30 जून को गिरफ्तार किया है। परीक्षा हजारीबाग के 5 एग्जाम सेंटर पर हुई थी। 18 जुलाई को नेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाए। इस तरह एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में गोधरा और पटना के एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी की बात मानी है। बिहार में 24,000 प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसा है। इस बीच एसीएस सिद्धार्थ के निर्देश पर प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना संचालित हो रहे निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए 15 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। अगर स्वतंत्रता दिवस तक संचालकों ने अपने स्कूलों की राज्य सरकार से मंजूरी नहीं ली तो उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को आखिरी मौका दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में बगैर सरकार से मंजूरी लिए चल रहे सभी निजी विद्यालय बंद होंगे। निजी स्कूलों को हर हाल में राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी ही होगी। गया एसएसपी आशीष भारती ने काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन लिया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में स्थानांतरित हुए 50 दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा है। दरअसल स्थानांतरित दरोगा द्वारा विभिन्न कांडों का दस्तावेज अभी तक नहीं सौंपा है। इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। एसएसपी आशीष भारती के एक्शन के बाद चंदौती सिविल लाइन और कोतवाली थाने में कार्यरत पूर्व के थानेदारों सहित 50 दरोगा पर इन थानों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। 10वीं खबर। कोसी नदी के राजनपुर घाट पर बड़ा नाव हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार नाव पर बाइक सहित कई दर्जन लोग सवार थे। हालांकि इस घटना में जान माल को नुकसान नहीं हुआ। गनीमत रही कि समय रहते लोगों को बचा लिया गया। 10 बाइक में 6 बाइक को स्थानीय द्वारा निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि राजनपुर में पीपा पुल का निर्माण चल रहा है, उसी घाट पर नाव पर 10 बाइक सहित कई दर्जन लोग सवार थे। घाट से दूसरी दूर जाने के बाद नाव निर्माणाधीन पीपा पुल से टकरा गई। पुल से टक्कर होने के बाद नाव फट गई और उसमें पानी भर गया और हादसा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।